तो आपको तो भरोसा ही नहीं है ना मुझ पे, मतलब है? अरे यार मैं बड़ा छात्र लगता हूँ? नहीं, अरे बाप रे, देखो तो कैसी इमेज बना के रखी है, बताओ तो। प्राइमा फेस ऐसे लगता है। ब्लश तो मैं एनी टाइम कर सकता हूँ, उसमें क्या है, वो टैलेंट है अपना, बचपन से आदत सच में। चलिए भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आपको जो लिंक आनी स्टार्ट हुई है क्या अभी तक? नहीं, अभी तक लिंक आने स्टार्ट नहीं हुई क्या? पता नहीं कब भेजेंगे। चलिए, हाँ जी, सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। यहाँ पर करते हैं स्टार्ट, और है ना, चैप्टर नंबर 1 अपना चल रहा है ना, चैप्टर नंबर 1 अपना चल रहा है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था बताइए। अदानी, यस, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। अदानी वदानी के बारे में पढ़ा था आपने, है ना, करोड़पति लोगों की बात की थी हमने। क्या बोल रहे हैं, क्या बुक्स चल रहे हैं उसमें? जो नहीं पूछेगा मैंने वो हटा दिए हैं, है ना। अच्छा, बुक्स करने आप ये बोल रहे हो, है ना, करंट अफेयर्स का चैप्टर तो ये वैसे फर्स्ट ही बाकी है सर, जो अपना चल रहा है ना। बाकी ये बुलेटिन और 2, 3, 4 तो मैं पहले वैसे करवा चुका हूँ, टाइम मिला तो वापस से मैं आपको करवा दूंगा। क्या नहीं, न्यू वाली करेंगे, और फिर टाइम मिला तो उसको अपन जो है मैराथन में कवर अप कर लेंगे। चले भाई, हो गया, है ना, चलो करो क्या स्टार्टअप। चलो देखो, तो भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है हमने कल किसके बारे में पढ़ा था, है ना, बिलगेट्स सब्सक्राइबर के बारे में। अब आपको यहाँ पर दिया गया बुक्स एंड ऑथर्स, है ना। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। सबसे पहले, अरे भाई धीरे धीरे धीरे, चलो अभी, है ना, डिस्टर्ब मत करो यार, प्लीज पढ़ने दो। देखो तो सबसे पहले आपको यहां पर दिया गया है कर्मयोद्धा ग्रंथ, है ना। सबसे पहले आपको यहां पर दिया गया है कर्मयोद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। तो कुछ कुछ बुक्स के बारे में बताया गया है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें थी मेन मॉड्यूल्स मैंने हटाई है ना, तो ध्यान सुनेगा। तो हमको बोला है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है कर्मयोद्धा ग्रंथ, ठीक है। एंड ये किसने रिलीज़ की थी, तो ये अमित शाह जी ने रिलीज़ की थी, ठीक है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, है ना, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये बुक रिलीज़ की थी। एंड है ना, बुक कर्मयोद्धा ग्रंथ है, एंड इन्होंने ये कब रिलीज़ की थी, 7 जनवरी 2020 के पहले, मतलब आपके कोविड के थोड़ा पहले पहले इन्होंने बुक रिलीज़ की थी, करेक्ट। इसमें लिखा गया है कि भाई जितने स्टेट्स जो भी बजट मांगते हैं ना, जो भी पैसा मांगते हैं, तो नरेंद्र मोदी उनको 10% ज़्यादा ही देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये अंत्योदय पर काम करते हैं। अंत्योदय का मतलब होता है कि भाई सोसाइटी का जो सबसे लास्ट वाला पर्सन है ना, उसका भी यहाँ पर जो है ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी में जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उनका भी यहाँ पर ग्रोथ होना चाहिए, मतलब उनको भी साथ में लेके चलना है। दैट इज़ कॉल्ड एज अंत्योदय, मतलब अंत का भी उदय होना चाहिए, उसका मतलब ऐसा है अंत्योदय, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बोला है कि 7 जनवरी 2020 को बुक आई, जितना भी बजट मांगा उसके 20% हम एक्स्ट्रा देते हैं, एंड अंत्योदय वाला यहाँ पर ये फंडा फॉलो करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर जो है नरेंद्र मोदी के सपने थे, है ना, आयुष्मान योजना वगैरह वगैरह, है ना, आयुष्मान योजना वगैरह वगैरह, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर लाया हुआ था, करेक्ट है, इसके बारे बुक में लिखा हुआ है। डन, देखिए हम आगे, हाँ चलिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है टर्बुलेंस एंड ट्रम्प, है ना, ट्रियम्प, तो ये भी दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, टर्बुलेंस एंड ट्रियम्प दी मोदी ईयर्स, टर्बुलेंस एंड ट्रियम्प ये भी है दी मोदी ईयर्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि नरेंद्र मोदी जब बचपन में, है ना, गुजरात से कैसे वो दिल्ली तक पहुँचे,
हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं, है ना, और इसी के ऊपर बुक है जिसका नाम है टर्बुलेंस एंड ट्रियम्फ। तो बचपन से लेकर अभी तक की जो है ना उनकी जर्नी दी गई है उसका नाम है टर्बुलेंस एंड ट्रियम्फ। ठीक है, देन यहाँ पर जो आपके वीर सावरकर हैं, है ना, विनायक दामोदर सावरकर इनका नाम है ना, इनके ऊपर भी एक बुक लिखी गई है। बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924 बाय विक्रम संपत, है ना। यस, तो देखो नाम क्या है, इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, है ना, इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924, और किसने लिखी है, विक्रम संपत ने। ये किताब किसने लिखी है, तो विक्रम संपत ने लिखी है। ठीक है, तो इसका नाम है इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट। ठीक है, ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे, काफ़ी फेमस फ्रीडम फाइटर थे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर बुक का नाम याद रखना है, डन। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 2020 में अगर आप मॉड्यूल रेफर कर रहे हो तो 2020 में ये अवार्ड मिला था रानी रामपाल को, है ना, 2020 में ये अवार्ड मिला था रानी रामपाल को, हु हैज़ बीन अ कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, है ना। तो 2020 में मिला था रानी रामपाल को, एंड 2021 में ये आपको दिया गया है पीआर श्रीजेश को। इसका हमने एक एमसीक्यू भी किया था, ये बुलेटिन में अगर आपको ध्यान होगा तो हमने ना इसका एक एमसीक्यू भी किया था कि पीआर श्रीजेश जो है इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का दिया गया है। मैंने आपको ये गूगल पे ओपन करके दिखाया था इनका चेहरा, पता नहीं आपको ध्यान होगा कि नहीं, बट ये अपन ने बुलेटिन में किया हुआ है, देखना आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, चले हम आगे। ओके, देखो अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। तो जैसे अपने ओलंपिक्स वगैरह वगैरह होते हैं, है ना, वैसे अपने कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। एंड ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है ये बना हुआ है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, एंड इनके 71 मेंबर नेशंस हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, है ना, आपके अलग अलग टाइप के जो गेम्स होते हैं, तो ये इनका जो ऑफिस इनकॉर्पोरेट हुआ है वो यूके में हुआ है, एंड 71 मेंबर नेशंस जो हैं, है ना, यहाँ पर इनके मेंबर हैं, 71 नेशंस इनके मेंबर हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है इस साल में, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में होने वाला है ब्रिमिंगम में, मतलब इंग्लैंड में। ठीक है, आपके अगर कोई मॉड्यूल रेफर कर रहा है तो उसमें एक एक डेट पहले है शायद, है ना, 27 जुलाई से 7 अगस्त होगा अगर आप मॉड्यूल रेफर कर रहे हो, तो वहाँ पर डेट आप जो है अपडेट कर देना। ओके, तो यहाँ पर आपका 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होने वाला है, कहाँ पर, कहाँ पर, ब्रिमिंगम, और ये कहाँ पर है, है ना, तो ये आपका इंग्लैंड में, करेक्ट है, परफेक्ट है। ओके, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो आपका बना हुआ है इसका मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ना, यूके में, है ना, इसका मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो यूके में, डन, क्लियर है क्या, है ना। चलिए साक्षी के लिए आप किस बुक से पढ़ा रहे हो, मेरी क्लास के नोट्स हैं जो मैंने भेजे हुए हैं, है ना, मेरे क्लास के नोट्स हैं जो मैंने भेजे हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 19, और ये आपको दिया गया है किसके बारे में, है ना, ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो ओलंपिक गेम्स अभी भी हमारे हुए थे, है ना, 2021 में, वैसे 2020 में होने वाले थे, है ना, टोक्यो जापान में, लेकिन कोविड के कारण उसको हमने शिफ्ट किया 2021 में। एंड उसी में जो भाला फेंक में कौन जीता था, है ना, रियत चोपड़ा, है ना, उन्होंने गोल्ड जीता था। तो वो जो गेम्स थे वो आपके ओलंपिक गेम्स ही थे। अब जनरली हमने सुन के रखा है कि ओलंपिक गेम्स 4 साल में एक बार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर 2-2 साल में होते हैं, है ना। 2 साल में समर गेम्स होंगे, फिर 2 साल में विंटर गेम्स होंगे, फिर 2 साल में समर, फिर 2 साल में विंटर, ऐसे चलता है, है ना, मतलब लोकेशन के हिसाब से, और गेम्स उस हिसाब से बदल दिए जाते हैं। ऐसा समर के हिसाब से थोड़े समर वाले गेम्स ऐड होते हैं और विंटर के हिसाब से विंटर वाले। ठीक है, तो ये 2-2 साल का आपका गैप रहता है, है ना, 2-2 साल का जो है आपको यहाँ पर गैप होता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया सबसे पहले कि जो समर ओलंपिक गेम्स लास्ट वाले जो हुए थे ना, वो आपके समर ओलंपिक गेम्स थे 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त, और ये हुआ था टोक्यो जापान में, करेक्ट। तो 56 ईयर्स के बाद जापान ने यहाँ पर जो है ओलंपिक गेम्स यहाँ पर करवाए थे, एंड वो भी समर एडिशन वाले, है ना, 56 ईयर्स के बाद जापान में यहाँ पर जो ओलंपिक्स हुआ, एंड समर एडिशन हुआ यहाँ पर सेकेंड टाइम, है ना, समर एडिशन हुआ यहाँ पर सेकेंड टाइम। देन जापान हैज़ बीन एन ओलंपिक लैंड सिंस दी समर गेम्स ऑफ 1964। तो पहले समर गेम्स जो हुए थे वो 1964 में हुए थे, विच वर फर्स्ट टू बी स्टेज्ड इन एशिया। तो एशिया में पहली बार जो हुए थे वो जापान में हुए थे। एंड 2020 में ये होस्ट करने वाले थे अपने चौथा गेम, तो एक्चुअली 2021 में हुआ था, है ना। इट इंक्लूड्स विंटर गेम्स ऑफ 1972। तो जापान में पहले कब कब और गेम्स हुए, तो 1972,
है ना, एंड 1998, फिर 1964 है ना, एंड आपका भी 2021। तो 19 है ना, एक आपका हो गया सबसे पहले 1964 में हुए थे, नेक्स्ट हुए 1972 में, फिर आपके 1998 में, एंड लेटेस्ट वाले 2021 में। क्या बोल रहे हो? टोक्यो क्यों बोलते हैं? क्योंकि शेड्यूल 2020 का था, क्योंकि ओरिजिनली 2020 में होने वाला था ना, इसलिए उन्होंने नाम चेंज नहीं किया है। कोविड के कारण उसको शिफ्ट किया 2021 में, लेकिन नाम उन्होंने 2020 ही रखा है। तो टोक्यो 2020, गेम्स का नाम तो 2020 ही है, लेकिन अगर ये पूछा कब से लेकर कब तक हुए थे, तो अपन ने 2021 में ही हुए थे। यस, अगर वो एग्जैक्ट डेट पूछा भाई कब से लेकर कब तक हुए थे, तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 में हुए थे, वो टिक करना। लेकिन अगर टोक्यो गेम्स पूछा तो 2020 टिक करना। क्लियर है? समझ आया है ना? अभी भी अगर आप गूगल करोगे ना, तो गूगल पे आपको टोक्यो गेम्स 2020 के नाम से दिखेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर आपको है ना 4 साल दिए गए थे जापान में, पहले 1964 में हुआ था, फिर 1972, फिर 1998, और अभी लेटेस्ट वाला हुआ था 2021। चलिए, अब नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है कि करेंट ईयर में भी विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, और कहाँ पर? चाइना में, जो खुद लॉकडाउन में चल रहा है ना, चाइना के कुछ लोकेशन जो खुद लॉकडाउन में चल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने प्लान किया है वैसे, मतलब पहले से प्लान था है ना कि ये चाइना में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर होने वाला था बट एक्चुअली हुआ नहीं है। सो हैविंग वॉन द बिड फॉर 2022 है ना, 31 जुलाई 2015 को इन्होंने बोली लगाई थी और जीत गए थे। एंड यहाँ पर ये 109 इवेंट रखने वाले थे, है ना। यहाँ कह रहे हैं कर लो इग्नोर, यहाँ भी तो आप आते ही इग्नोर होने के लिए, तो मैं क्या करूँ है ना। एग्जीक्यूटिव वालों को मैं बोलता हूँ कि भाई पढ़ाई करो, क्या करते हैं करंट अफेयर्स में। हाँ बताओ, कुछ बोल रहे हो? नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला है कि भाई 2022 में चाइना में ये आपके शेड्यूल थे, एंड हम टोटल 109 इवेंट यहाँ पर करने वाले थे। ठीक है, चले हम आगे। देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम, माना खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम। तो ये इंडिया लेवल पर होने वाले थे, ठीक है। फोर्थ ये गेम्स होने वाले थे, 3rd to 9th February 2022, और इसका शेड्यूल था 3 से 9 फरवरी 2022 का, माना इसका शेड्यूल था 3 से 9 फरवरी 2022 का। बोलो, ये भी क्लियर हुआ है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया खेलो इंडिया गेम्स प्रोग्राम के बारे में। देन आपको नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कुछ है ना, यहाँ पर आपको दिया गया है लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल्स के बारे में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स के बारे में। अब नेशनल सिंबल्स जो है ना, वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, मैं आपको आता हूँ उस पर, लेकिन उसके पहले लैंग्वेजेस कंप्लीट कर लेते हैं। सुनना, ये लैंग्वेज वाला हो सकता है एक आध पॉइंट पूछ ले। तो अभी टोटल वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो 7151। अभी टोटल वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो आपके पास 7151 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। देन देन क्या क्या पुराना है ना आपका मॉड्यूल है ना, जो मॉड्यूल है वो पुराना है। नहीं नहीं आप पुराना रेफर कर रहे हो। अभी जो लेटेस्ट वाला मैंने भेजा है ना, मैंने दो भेजे हैं ना, दो, एक पहले ड्राफ्ट भेजा था, एक परसों वापस भेजा था मिनिस्टर्स के साथ। तो जो मिनिस्टर्स के साथ वाला पीडीएफ है उसमें देखो हाँ ना, देखो पहले वो मैंने आधा ही अपडेट किया था, तो इसलिए आपको पुराना दिख रहा है, लेटेस्ट वाला देखो। चलिए सुनिएगा, तो यहाँ पर टोटल वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो 7151 लैंग्वेजेस हैं, एंड जस्ट 23 लैंग्वेजेस अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो टोटल देखा जाए तो रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह वगैरह सब मिला के पूरे वर्ल्ड में 7151 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सिर्फ 23 लैंग्वेजेस मोर देन 50% लोग बोलते हैं, करेक्ट है। देन ये थोड़ा आपका समझने लायक है ना, लैंग्वेजेस इन इंडिया है ना, ये आपका थोड़ा सा समझने लायक है लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो इसमें ध्यान देना कि भाई अगर विद इन स्टेट कोई ऑफिशियल लैंग्वेज रखना है तो कैसे रखी जाती है, या दो स्टेट्स के बीच में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज रखना है तो कैसे रखी जाती है, ठीक है हाँ ना। यस, तो इन्होंने बताया कि भाई देखो विद इन स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज रखने का मतलब क्या है कि भाई कौन सी लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाएगी, या फिर जो भी हम एग्रीमेंट्स वगैरह करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करेंगे ना, तो वो कौन सी वाली लैंग्वेज में होंगे है ना, तो वो फिर कौन सी वाली लैंग्वेज में होंगे। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बताई गई है किस तरीके से डिसाइड होता है। देखो, तो सबसे पहले आपको बोला है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट,
आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है सुनो, सो द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज। तो यहाँ पर जो इनकी रीजनल लैंग्वेज होगी या फिर हिंदी, ये ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। पहले मतलब ये बोला है चाहे तो चूज कर सकते हैं, है ना, वो भी ऑप्शन है, बट पहले प्रायोरिटी किसको है कि अगर आपका, है ना, अगर आपका जो भी लैंग्वेज है ना, आपका खुद का हो सकता है, हिंदी हो, मराठी हो, है ना, कन्नड़ हो या जो भी हो, आप उसको करो, नहीं तो फिर आप हिंदी भी कर सकते हो। देन प्रोवाइडेड दैट अंटिल द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट प्रोवाइड्स द इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पजेस, है ना। अगर कुछ नहीं बोला है तो ऑफिशियल पर्पज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी। ठीक है, तो आप अपनी कोई जो लैंग्वेज अगर यहाँ पर, है ना, अप्रूव करवाना चाह रहे हो, सेलेक्ट करवाना चाह रहे हो, तो आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी आप वो करवा सकते हो, अदरवाइज आप जो है हिंदी भी करवा सकते हैं, करेक्ट। एंड ऑफिशियल पर्पज़ के लिए अगर कुछ नहीं बोला है तो फिर आप इंग्लिश फॉलो करेंगे। अगर आपने ऑल कुछ डिसाइड करके रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप वो इंग्लिश फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया विद इन स्टेट, ये आपका हो गया विद इन स्टेट, आपको लैंग्वेजेस में कैसे देखना है। देन नेक्स्ट आपको दिया गया है कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। तो अगर बिटवीन, है ना, अगर आपको यहाँ पर देखना है कि भाई, है ना, अगर यहाँ पर आपको देखना है कि बिटवीन दी स्टेट्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना है, सो द लैंग्वेज फॉर दी ऑथराइज विच इज बींग ऑथराइज फॉर दी यूज़ इन द यूनियन। तो आइडियली जो यूनियन यूज़ करता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करता है, वो दो स्टेट्स के बीच में यूज़ की जाएगी। अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट अग्री करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। मतलब दो स्टेट्स जब आपस में कोई एग्रीमेंट करेंगे तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो आइडियली जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करता है वही करनी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लिश यूज़ करता है तो दो स्टेट्स को भी यहाँ पर इंग्लिश यूज़ करनी है, लेकिन अगर ये आपस में चाहें तो ये हिंदी भी डिसाइड कर सकते हैं। यस, क्योंकि दो अलग अलग स्टेट्स हैं ना, तो भाई एक जगह हो सकता है मराठी चलती हो, दूसरा हो सकता है कन्नड़ चलती हो, तो एक दूसरे का समझ भी नहीं आएगा कुछ, इसलिए, है ना। तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली या फिर हिंदी, क्या करेक्ट, सेम। चलिए क्लियर हुआ क्या, है ना, न्यू वाला रेवती मैंने, है ना, सेंड किया ना एक दो दिन पहले। चलो देखो, तो यहाँ पर ये लैंग्वेजेस वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहले तो बोला है कि अगर आपको विद इन स्टेट लैंग्वेज डिसाइड करनी है तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं आप, या तो आपकी रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी, ठीक है, और अगर आप चाहे तो इंग्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है। और दो स्टेट्स के बीच में कैसे डिसाइड होता है, क्या क्या क्या, यस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करता है या तो वो, अदरवाइज, है ना, हिंदी। क्लियर हुआ, डन, ओके। देन नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है स्पेशल प्रोविजन टू अ लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर आपके स्टेट में कुछ लोग चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, उसको डेजिग्नेशन दिया जाए, तो वो भी आप डिमांड कर सकते हो, लेकिन सब्सटेंशियल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, लेकिन आपको ये पूछना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है, आपको ये पूछना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट को। समझ आया, है ना, हाँ जी, श्रुति डालमिया हो जाएगा। ई बुलेटिन इंपॉर्टेंट है ना, प्रायोरिटी भी तो ई बुलेटिन ही करना है, अपना तो हो चुका है चार, और पांचवा छठवा मैंने चेक नहीं किया, अभी आया होगा तो, अगर आया होगा तो करवा दूंगा। चलिए, क्या बोल रहे हैं, फेब तक है, फेब तक तो है, अच्छा चलिए। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ये चाहता है कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज को यहाँ पर डेजिग्नेशन दिया जाए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट को पूछना पड़ेगा। क्लियर है, डन, चलिए। अब नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है एज पर दी एथनोलॉग। एथनोलॉग मतलब समझो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एथनोलॉग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लैंग्वेजेस के ऊपर ही काम करता है, और यही देखता है कि भाई कौन सी लैंग्वेज आई है, कौन सी गई है, वगैरह वगैरह। तो इनके हिसाब से इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं वो है 461, एंड टोटल जो वर्ल्ड में है वो है 7151। पूरे वर्ल्ड में जो है 7151 है, एंड इंडिया में जो मेन मेन वाली हैं वो है 461। परफेक्ट, क्लियर, है ना, चलिए। देन नेक्स्ट आपको बोला गया यहाँ पर लैंग्वेजेस इन न्यूज़। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 21 ऑफ फेब को किया जाता है ना, आपके वैलेंटाइंस डे के 7 दिन बाद,
सिमिलरली मातृभाषा दिवस भी हम 21 फेब को ही सेलिब्रेट करते हैं, करेक्ट है ना? तो मातृभाषा दिवस जो है या फिर आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, ये दोनों है ना, हाँ एक ही है। हम इंडिया वाले मातृभाषा बोलते हैं, वो इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे बोलते हैं, और दोनों क्या है 21 फेब को। देन यहाँ पर जो 2022 में आपका जो मदर लैंग्वेज डे होगा ना, उसका थीम आपको दिया गया है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या होता है कि जब भी कोई इवेंट्स होते हैं ना, तो जनरली उसका कुछ ना कुछ थीम होता है कि भाई उस थीम पर पूरा इवेंट बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो थीम था उसका नाम था यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है क्या, है ना, समझ आए क्या, है ना? ओके चलिए, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है हिंदी दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये सेलिब्रेट होता है 14th of September को, ओके। एंड हिंदी इज दी थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, है ना? हिंदी जो है आपके वर्ल्ड में थर्ड मोस्ट स्पोकन है। फर्स्ट क्या होगी? क्या क्या ये बताए क्या? ठीक है, फर्स्ट मेरे ख्याल से चाइनीज है, सेकंड इंग्लिश है, एक बार देखना पड़ेगा, है ना? इन दोनों में से कोई तो है, इंग्लिश है, चाइना है, मतलब चाइना की, यस। तो पहली इंग्लिश है, पहली इंग्लिश है और दूसरी चाइना है ना, चाइनीज है, एंड थर्ड फिर हिंदी है। पॉपुलेशन देखो, इंग्लिश तो हर जगह बोली जाती है, है ना? क्या क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सही बात है ना, कहाँ जाएंगे फिर, जितनी पॉपुलेशन होगी तो बोलेंगे ही बोलेंगे ना, करेक्ट? तो सबसे पहले इंग्लिश, फिर आपकी चाइनीज, एंड थर्ड वाली आपकी हिंदी, ठीक है? देन नेशनल सिंबल्स वगैरह जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको KG1 वाला फील आएगा, है ना? कि ये तिरंगा झंडा होता है, तीन कलर क्या बताते हैं, बीच में अशोक चक्र होता है, 24 स्पोक्स होते हैं, है ना? कहाँ से उठाया था, है ना? फिर नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल ये कौन सा है, नेशनल करेंसी, एम्बलम, बर्ड, एंथम, है ना, एनिमल, नेशनल फ्लावर वगैरह वगैरह। तो ये आप रीड कर लेना, क्या अभी तक तो कभी पूछा नहीं है, है ना? नेशनल सिंबल्स वगैरह जो है ये आपके हवाले, है ना? नेशनल सिंबल्स आप रीड कर लेना, इसमें कुछ समझाने लायक है भी नहीं, ठीक है, है ना? ओके चलो, अब यहाँ पर आपको जो नेशनल फ्लावर है ना, उसमें भी अपना ये मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एक दो चीज़ें नहीं है। नेशनल फ्लावर अपना माना जाता है लोटस, एंड उसका नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, है ना? ये जो बायोलॉजिकल नेम होता है ना, वर्ड भूल गया मैं, क्या बोलते हैं उसमें, कुछ तो दूसरा नाम होता है, माने स्पीशीज़ या कुछ तो ऐसे, नहीं स्पीशीज़ तो नहीं, कुछ तो नाम बोलते हैं, है ना? कमल नहीं है, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, है ना? ये जो है हमारा नेशनल फ्लावर है, ठीक है? इसके अलावा है ना, इंडिया इज़ इन दी 10th पोजिशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इंडिया इज़ इन दी 10th पोजिशन इन दी वर्ल्ड एंड 4th इन दी एशिया इन दी प्लांट डाइवर्सिटी। भाई यहाँ पर फूलों के मामले में है ना, हम जो हैं दुनिया में 10वें नंबर के हैं, और एशिया में है ना 4th नंबर के हैं, ठीक है, है ना? चलिए, उसके अलावा फ्रॉम अबाउट 70% ज्योग्राफिकल एरिया सर्वेड, 47,000 स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है, इसको छोड़ो, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है ओलंपिक का सिंबल, तो ये पांच जो है उसमें चूड़ियाँ बनी हुई रहती है ना, तो इसका कलर आपको बताया गया है ना, लेफ्ट टू राइट, ब्लू, येल्लो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, है ना? तो अलग अलग पाँच कॉन्टिनेंट्स को ये दर्शाते हैं, है ना? अलग अलग पाँच कॉन्टिनेंट्स को जो है ये दर्शाते हैं, क्या बोल रहे हो? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, नहीं कुछ तो अलग वर्ड था यार, नोमेनक्लेचर तो ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है ना, वैसे ही बायो 10th में पढ़ा था लास्ट, है ना? सेम, क्या क्या बायो पढ़ना है, भीड़ जमी क्लास में बायो पढ़ाया तो, लेकिन नहीं नहीं कोई मैडम पढ़ाया तो फिर भीड़ जमेगी। देखो चलिए, अब है ना, यहाँ पर तो आपको ऐसे सिंबल्स दिए, सिंबल्स वगैरह तो पूछता नहीं है। अब नेक्स्ट आप देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स, है ना? नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, सुमंत भाई टाइम थोड़ी हो गया है भाई, टाइम है ना 8:30 बजे रखा हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। दी पद्मा अवार्ड्स आर वन ऑफ दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सही बात है, जो रिपब्लिक डे पर दिए जाते हैं। एंड पद्मा अवार्ड्स में आप जो है पढ़ चुके हैं,
है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ठीक है। यस, तो आपके एक तो आपका आ जाएगा भारत रत्न, है ना, एक तो आपका आ जाएगा भारत रत्न एंड दूसरा आ जाएगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री तो आप बुलेटिन में पढ़ चुके हैं, करेक्ट है। भारत रत्न के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। तो देखिए, तो ये जो पद्म अवार्ड्स हैं ये हमारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं जो रिपब्लिक डे पर दिए जाते हैं। इसके लिए पद्म अवार्ड कमेटी होती है जो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं एंड आप इसमें सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये रिपीटेड पॉइंट्स हैं। क्या क्या? नहीं नहीं ये सिर्फ पद्म अवार्ड्स कमेटी है ना, इतना क्लियर है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट आपको बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो अवार्ड्स बनाए थे, एक भारत रत्न एंड पद्म विभूषण, है ना, 1954 में। फिर इसको हमने बांट दिया पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो उसके तीन हिस्से यहाँ पर हो गए, है ना, उसके ना तीन हिस्से यहाँ पर हो गए। देन यहाँ पर बोला है कि भारत रत्न जो होता है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है एंड ये जो रिकमेंडेशन होता है ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट को एंड देर आर नो फॉर्मल रिकमेंडेशन, मतलब फॉर्मेलिटीज यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्टली बोलता है तो भी चलेगा, है ना। यहाँ पर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को बता सकते हैं, कोई भी इसका प्रोसीजर नहीं है। एंड यहाँ पर 25 सितंबर 2019 तक 48 पर्सन्स को भारत रत्न मिला है और लास्ट मिला था 2019 में, उसके बाद किसी को नहीं दिया है ना। 25 सितंबर 2019 के बाद किसी को भारत रत्न नहीं मिला है ना, मुझे मिलने वाला बोल रहे हैं, वाह रे, है ना। एंड भारत रत्न टोटल जो है अभी तक 48 पर्सन्स को मिला है। तो 2019 में ना तीन लोगों को मिला था, एक थे श्री प्रणब मुखर्जी, दूसरे श्री नानाजी देशमुख एंड थर्ड वाले श्री भूपेन हजारिका, ठीक है। तो एक आपके जो प्रणब मुखर्जी थे, नेक्स्ट नानाजी देशमुख एंड थर्ड भूपेन हजारिका, इन लोगों को हमने जो है यहाँ पर भारत रत्न दिया था। तीन 2019 में लास्ट ये तीन बांटे गए थे। क्लियर डन, समझ आया क्या, है ना, ओके। चलिए सुनिएगा, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है पद्म अवार्ड्स, है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है पद्म अवार्ड्स। तो पद्म अवार्ड्स जो रिपीटेड हैं, है ना, पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री, ये रिपीटेड पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। बाकी अपन ने बुलेटिन से ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, हाँ जी श्रुति डालमिया, यस। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। तो ये आपको दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, है ना, ये आपको दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जो, है ना, एक्टर्स एक्ट्रेस वगैरह काम करते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। हमारे जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है, है ना, उनके नाम पर ये, है ना, फाल्के अवार्ड का नाम रखा गया है। ये सबसे लास्ट किसको मिला था पता है क्या, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, रजनीकांत को, यस, है ना। उसके पहले अमिताभ बच्चन जी को मिला था और अब लेटेस्ट वाला जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है वो रजनीकांत जी को मिला है, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया गया कि भाई किसके नाम पर है, कब चालू हुआ। सो द फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा धुंधीराज गोविंद फाल्के, है ना, इनका नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के। उन्होंने फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में, है ना। तो उन्हें पहली पहली वाली जो है फीचर फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। देन वो जो है उन्होंने 19 साल के अपने करियर में 95 फिल्म्स एंड 26 शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी और ये जो अवार्ड आया था 1969 में आया था एंड पहला अवार्ड मिला था रानी को, मतलब देविका रानी को। पहला पहला जो यहाँ पर अवार्ड मिला था उनका नाम था देविका रानी, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो एक ना स्वर्ण कमल, तो गोल्ड का लोटस दिया जाता है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, है ना, शॉल दी जाती है एंड सिल्क स्क्रॉल। सिल्क स्क्रॉल मतलब, है ना, ऐसे जो अपन वो खोल के कुछ तो पढ़ते हैं ना, जैसे राजा महाराजा टाइप, है ना, हाँ ऐसे तो पढ़ा जाता है ना, हाँ मैरिज सर्टिफिकेट भी ऐसा रहता है, उसका अपन बोलते हैं सिल्क स्क्रॉल, है ना, इसको बताया क्या, मैंने तो नहीं देखा यार ऐसे रहता है, क्या क्या, हमारी शादी कैसे बनाएंगे, किसके पास, मेरे पास, कितना खुश होता है उसकी जैसे शादी हो गई हो पांच पांच का। चलिए तो, है ना, मॉड्यूल से 5-7 नंबर का आ गया तो आपका नसीब अपर्णा जी। चलो क्या क्या, नहीं नहीं और है ना, रुको ना, हाँ वो रैंडम इसी के क्वेश्चंस मिक्स आते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं वैसे 20 नंबर, लेकिन 20 का आएगा ऐसा नहीं है, कम ज़्यादा हो जाता है। नहीं, इंग्लिश का पार्ट जो है वो
काजल मैम या मोदी सर में से कोई पढ़ाता है? मैं नहीं पढ़ाता हूँ, है ना, दोनों में से कोई तो पढ़ाएगा, दोनों आधा आधा पढ़ाते होंगे। हाँ चलिए, वो तो स्टार्टिंग से 20 है करंट अफेयर्स, मोदी सर या फिर काजल मैम। ओके चलिए सुनिएगा, है ना, तो यहाँ पर जो है ये इन्होंने जो है 19 साल के करियर में इतनी फिल्म बनाई थी, है ना, यहाँ पर आपको स्वर्ण कमल, आपको सिल्क स्क्रॉल शॉल एंड 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, एंड ये रजनीकांत को दिया गया लास्ट 2021 में। ये भी क्लियर है ना। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर ना देखो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और इन अवार्ड्स की खासियत ये है कि सारे के सारे नरेंद्र मोदी को मिले। हाँ हाँ बस दो ही पेज बचे हैं क्या? अरे ख़त्म हो जाएगा, आज ही कर देते हैं, 5-7 मिनट में हो जाएगा। अरे हो जाएगा यार, 5-7 मिनट की बात, अरे इतना, देखो देखो क्या नहीं पढ़ानेंगे, किसने बोला नहीं आऊँगा, नहीं आना है क्या? आ जाएंगे ना, आ जाएंगे आ जाएंगे, उसमें क्या है ना, 30 अप्रैल तक तो अपना प्लान है ना, तो मैं आपको चैप्टर 2, 3, 4 क्विकली वापस से एक बार करवा दूंगा, तो आप और कुछ पढ़ लेना। चलिए सुनिएगा, अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, 5-7 मिनट का बचा है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ऐसा बोल रहे हैं जैसे स्टार्टिंग से ध्यान लगा के पढ़ रहे होंगे। चलो देखो, तो यहाँ पर आपको बोला है, देखो यहाँ पर आपको जो भी अजीब गरीब नाम दिखे, आपको जो भी अजीब गरीब नाम दिखे, और आपको अगर ये पूछा है कि किसको अवार्ड दिया है, तो नरेंद्र मोदी को दिया है ना। देखो यहाँ पर जैसे क्या बोला है, पहला किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रिनेसेंस एंड ऑर्डर ऑफ द जैद अवार्ड। तो जैसे अपने यहाँ पर भारत रत्न, पद्म विभूषण वगैरह होते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग नाम होते हैं। तो पहला बोला है नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर बहरीन के किंग, है ना, हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा, है ना, तो इनका नाम है आम, उतना ही, है ना, उतना ही याद रह जाएगा, क्यों पता ही था मेरे को। तो हमद बिन, नहीं नहीं बुर्ज खलीफा यार तुम यार, हाँ वेरी गुड, हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा, है ना, तो ये जो है इन्होंने दिया था, है ना, किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रिनेसेंस। तो ये सब नरेंद्र मोदी को मिले हैं। नेक्स्ट, अबू धाबी के जो प्रिंस है ना, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, है ना, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, है ना, बड़े बड़े नाम है। ऑल्सो ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद ऑर्डर ऑफ द जैद, तो ऑर्डर ऑफ द जैद था, है ना, ये उनका जो पुरस्कार है, जो अवार्ड है, ये भी नरेंद्र मोदी को दिया था। देन ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्री अवार्ड, तो ये रशियन फेडरेशन ने दिया था, है ना, रशियन फेडरेशन ने जो अवार्ड दिया था उसका नाम था सेंट एंड्री अवार्ड। देन मालदीव्स का भी होता है रूल ऑफ निशानिजुद्दीन, है ना, वो भी नरेंद्र मोदी को, तो यहाँ उन्होंने डाला ही वो सब चीज़ें जो नरेंद्र मोदी को दी हैं, है ना। देखो तो यहाँ पर रूल ऑफ निशानुद्दीन, इसलिए तो इतना घूमते थे ना, घूमते क्यों थे, अवार्ड लेने जाते थे वो, है ना, फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, है ना, हम भी जाएंगे ग्लोबल, नेक्स्ट आपको दिया गया है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, तो है ना ये भी दिया था नरेंद्र मोदी को, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था बिकॉज ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान, बिकॉज ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चालू किया था, इसलिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने दिया था ये भी नरेंद्र मोदी को। ठीक है, डन है क्या, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है आर्ट एंड कल्चर, तो यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, इन्होंने 5 आइकॉनिक साइट्स यहाँ पर नई वाली नाम बताए थे, है ना, एक्चुअली ये 2020 में बताया था इन्होंने, है ना, एक्चुअली जो है इन्होंने 2020 में बताया था। तो 5 नाम कौन कौन से हैं, तो सेवा सागर, है ना, सेवा सागर असम का, राखी गढ़ी हरियाणा का, ढोलावीरा गुजरात का, हस्तिनापुर यूपी का, एंड अदि चनालूर तमिलनाडु का। ठीक है, क्या हो गया रजनी? यस, हाँ जी रजनी वर्षनी हो जाएगा, है ना, ई बुलेटिन और मैराथन अच्छे से किया तो भी हो जाएगा। चलो यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर आपको 5 चीज़ें बोली है ना, एक सेवा सागर है असम का, राखी गढ़ी हरियाणा का, ढोलावीरा गुजरात का, हस्तिनापुर यूपी का, एंड अदि चनालूर तमिलनाडु का। तो इन 5ों को हमने एज अ आइकॉनिक साइट नाम दिए थे,
है ना, यस वही वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला है 550th एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक। तो यहाँ पर गुरु नानक देव की जो 550वीं एनिवर्सरी थी, तो इसमें करतारपुर कॉरिडोर को हमने इनॉग्रेट किया था, मतलब इंडिया पाकिस्तान को जोड़ने वाले रोड को हमने इनॉग्रेट किया था। तो ये किसको जोड़ता है? डेरा बाना नानक इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विद गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर इन पाकिस्तान। तो इन दो गुरुद्वारों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर ये रोड को इनॉग्रेट किया था, ठीक है। लेकिन ये 2-3 साल पहले की बात है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना, ये काम का नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट पेज में जो आपको दिया गया है वो आप स्किप कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको बोला है विरासत ए खालसा म्यूजियम। तो इसने रिकॉर्ड बनाया था यहाँ पर, एक ही दिन में 20,569 विजिटर्स ने एक ही दिन में विजिट किया था 20 मार्च 2020 को, ठीक है। तो ये यहाँ, ये जो है पंजाब के आनंदपुर साहिब टाउन में है ना, और इन्होंने यहाँ पर ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड बनाया था कि एक ही दिन में 20,569 लोग यहाँ पर उन्होंने विजिट किया था, ठीक है। देन उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स का और कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। इसको बस एक बार रीड कर लेंगे है ना, इसको जो है रट्टा नहीं मारना है। तो ताजमहल एंड फतेहपुर सिकरी, अजंता एलोरा, ये तो अपने इधर ही है ना, हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, कोलवा बीच गोवा का, अमेर फोर्ट, सोमनाथ, ढोलावीरा, खजुराहो, है ना, देखा है। हम्पी भी बहुत अच्छा है बोलते हैं, है ना, महाबलीपुरम, काजीरंगा, कुमारोकम एंड महाबोधि टेम्पल। तो ये कुछ आइकॉनिक साइट्स के नाम है, इसको बस एक दो बार रीड कर लेना। किसको किसका? ताजमहल तो आगरा में आ गया ना, है ना, ये फतेहपुर सिकरी का लिखा होगा, है ना, ये फतेहपुर सिकरी का लिखा होगा, ठीक है, डन है क्या? चलिए, तो इसी के साथ आपका ये पहला वाला चैप्टर होता है समाप्त, बधाइयाँ। चलिए तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या मंडे सुना दो पक्का, है ना, मंडे को मुलाकात करेंगे। एंड बुलेटिन हो गया, चैप्टर नंबर 1 हो गया है, तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, अच्छा जिनका चैप्टर नंबर 2, 3, 4 हो गया है वो फिर भी बैठने वाले हैं क्या? कितने लोग बैठने वाले मुझे बताओ एक बार, सब बैठने वाले हैं? आपका 2, 3, 4 नहीं हुआ है क्या? क्या सब बैठने वाले हैं, ठीक है डन, है ना, क्या बोल रहे हो? हाँ काइंड ऑफ, देखो आप कोई नहीं बैठोगे तो फिर मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, ऐसा है, क्योंकि मुझे मुझे करंट अफेयर्स के लिए इधर अलग से आना पड़ता है, इसलिए वो भी है। चलिए ठीक है, डिसाइड करते हैं, है ना, चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय, शुक्रिया, देखते हैं डिसाइड कर लेते हैं, मैं ग्रुप पे डलवा देता हूँ। चलिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय 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 बाय।